हेलो दोस्तों, आज के करंट अफेयर की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के करंट अफेयर के प्रश्न देखने से पहले बता दूं कि कल से हम करंट अफेयर की क्विज स्टार्ट करेंगे, जो पिछले 7 महीने यानी कि जनवरी से लेकर अब तक के प्रश्न होंगे उसमें। और साथ ही साथ अगर आपको PDF इसकी चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए देखते हैं आज के कौन से प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, भारत के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों के लिए संग्रहालय की स्थापना की जाएगी, वह किस शहर में बनाया जाएगा? वो दिल्ली में बनाया जाएगा, किशोर मूर्ति भवन परिसर में बनाया जाएगा। सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों के लिए एक संग्रहालय बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, किस शहर ने वैश्विक अक्षमता शिखर सम्मेलन 2018 की मेजबानी की है? इसकी मेजबानी लंदन शहर ने की है। यह ब्रिटेन के एक इंटरनेशनल डिसेबिलिटी अलायंस है एक संस्था, और केनिया सरकार दोनों ने मिलकर होस्ट किया है। इसका उद्देश्य था विकलांग लोगों के आर्थिक सशक्तिकरण से संबंधित था। भारत का प्रतिनिधित्व किया था थवारचंद गहलोत ने किया था। नेक्स्ट है, महिलाओं के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन हाल ही में किस भारतीय राज्य में किया गया है? यह पंजाब के मोहाली में किया गया है, जो भारत में एक ऐसा संस्थान होगा, पहला संस्थान होगा जो विशेष रूप से महिलाओं के लिए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय क्षेत्रीय फिल्म ने तीसरे लव इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जो कि USA में होता है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता है? ये जीता है एक असमिया फिल्म ने, जोई होबोते धेमालीते। ये सी ऑप्शन है इसका सही। इसका अर्थ होता है सतरंगी खेल। इस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 36 देशों की 156 से ज़्यादा फिल्मों को दर्शाया गया है। ये अमेरिका के लॉस एंजलिस में फिल्म फेस्टिवल हुआ है ये। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने माता पिता की देखभाल से संबंधित प्रणाम योजना को लागू करने की घोषणा की है? ये असम ने की है। ये अपनी तरह का एक अनूठा प्रोग्राम है जो असम सरकार ने शुरू किया है। इसके अंतर्गत होगा क्या, सरकारी कर्मचारी के मासिक वेतन से 10-15% राशि काट ली जाएगी, जो उसके माता पिता या दिव्यांग भाई बहन को दी जाएगी। लेकिन ये सभी सरकारी कर्मचारियों के मासिक वेतन से नहीं काटा जाएगा, ये सिर्फ उन्हीं कर्मचारियों के मासिक वेतन से काटा जाएगा जो अपने माता पिता या दिव्यांग भाई बहन की ठीक से देखभाल नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, विश्व मौसम संगठन यानी कि WMO भी कहते हैं, द्वारा फ्लैश बाढ़ के पूर्व अनुमान की तैयारी के लिए कौन से एशियाई देश को नोडल सेंटर के रूप में नामित किया गया है? भारत है वो देश। अब इसके अंतर्गत क्या करना होगा, भारत को एक ऐसा मॉडल विकसित करना होगा जो वियतनाम, श्रीलंका, म्यांमार या थाईलैंड में बाढ़ की अग्रिम चेतावनी यानी पूर्व चेतावनी जारी कर सके। नेक्स्ट है, किस देश में एबोला वायरस की नई प्रजाति बोम्बाली वायरस को खोजा गया है? ये सियेरा लियोन में खोजा गया है, अफ्रीकन कंट्री है ये। सियेरा लियोन में खोजा गया है बोम्बाली वायरस। ये किस में पाया गया है, ये चमगादड़ के अंदर पाया गया है, चमगादड़ में पाया गया है। ये अपनी तरह का छठी जो प्रजाति है बोला कि वो है। नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरा युवा पुलिस अधीक्षक सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? ये दिल्ली में आयोजित किया गया है। इसका उद्घाटन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था, और समापन वक्तव्य किसने दिया था, पुदुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी ने दिया था। नेक्स्ट है, वह देश जिससे भारत NASAMS सेकंड अत्याधुनिक हवाई सुरक्षा प्रणाली खरीदेगा, संयुक्त राज्य अमेरिका से खरीदेगा ये हवाई सुरक्षा प्रणाली। इसमें होगा मोबाइल निगरानी रडार होगा 1-3 और 12 मिसाइल लॉन्चर इसमें शामिल होंगे। इसका फुल फॉर्म होगा नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। इसका काम क्या होगा, ये 9/11 जैसे अटैक को रोकेगा। और ये कहां पर स्थापित किया जाएगा, ये NCR रीजन में किया जाएगा, दिल्ली में। नेक्स्ट, तो कल से हम लोग करंट अफेयर की क्विज को शुरू करेंगे, जो पिछले 7 महीनों से संबंधित होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आता है तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल। थैंक्स फॉर